महाराष्ट्र के चंद्रपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज का बैनर हटाए जाने पर शिव प्रेमियों ने जमकर हंगामा किया। बैनर हटाने वाले होटल व्यवसायी को माफी मांगने की मांग करते हुए नारेबाजी की गई। मामला चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर शहर का है। नगर पालिका चौक में सैकड़ों की संख्या में मौजूद शिव प्रेमियों के आंदोलन से स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। आंदोलन में कई शिव प्रेमी संगठन शामिल हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले होटल के मालिक चंदू असवानी पर कार्रवाई की मांग करते हुए शिव प्रेमी आक्रामक हो गए। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी लगाया गया था। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर शिव भक्तों द्वारा बैनर लगाया गया था। बाकायदा बैनर लगाने की प्रशासन से परमिशन भी ली गई थी। इसके बावजूद शहर के मेहर होटल के मालिक ने होटल के सामने सड़क किनारे लगे बैनर को शिवाजी महाराज जयंती के दिन ही निकाल कर अलग जमीन पर रख दिया। मेहर होटल के मालिक ने बिना इजाजत सड़क के किनारे अपने होटल का बोर्ड लगाया था, उसी के सामने ये बैनर लगाया गया था, इसीलिए होटल मालिक ने शिवाजी महाराज का बैनर हटा दिया। इसकी जानकारी शिव प्रेमियों को लगते ही बड़ी संख्या में शिव प्रेमी मौके पर पहुंचे और होटल मालिक के खिलाफ जमकर रोष प्रकट किया। लेकिन इस मामले में पुलिस और प्रशासन द्वारा बीच बचाव करते हुए होटल मालिक चंदू आसवानी पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। लेकिन घटना को दो दिन बीतने पर भी प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए आज सैकड़ों शिव भक्तों ने प्रशासन और होटल मालिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शिव भक्तों ने नारेबाजी करते हुए होटल मालिक से माफी मांगने की मांग करी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस भी हरकत में आई। आखिरकार होटल मालिक को शिवजी महाराज के पुतले के सामने माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर करीब 4 घंटे बाद मामला शांत हुआ। 18/2/2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज का बैनर जानी पूर्वक हेतु परस्पर इस गांव के बल्लारपुर के गांव के मेयर के मालक ने हेतु परस्पर छत्रपति शिवाजी महाराज का बैनर वहां से हटाया था। जब हम सब युवकों को ये पता चला तब हम युवक 18 तारीख को वहां जमा हुए। जमा होने के बाद सभी लोग वहीं पे आए। इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी कि सीओ साहब, उसके बाद तहसीलदार मैडम और थानेदार साहब वहीं पे जमा हुए। थानेदार साहब को और सीओ साहब को हमने लिखित में वहीं पर कागजी कार्रवाई की अपेक्षा की। उनका 18 तारीख के बाद 19 तारीख ये शासकीय छुट्टी थी। 21-20 तारीख ये सोमवार होने के बाद हमने उनके तरफ एक दिन की उनको टाइम दिया। वो टाइम में हमने उनको बोला कि बाबा तुमको क्या कर सकते हो एक दिन में कीजिए। उन्होंने एक दिन में कुछ नहीं किया, इसलिए आज बल्लारपुर के सभी शिव भक्त शिव प्रेमी जिनको लगता है कि हमारे महाराज की अस्मिता खतरे में, वो सब यहाँ जगह पे शामिल हुए और उन्होंने सभी शासकीय अधिकारों को पूछा कि हुआ क्या, और शासकीय अधिकारों ने हमको आश्वासित किया और आज उनका मेहर की जो अनलीगल प्रॉपर्टी है उस पर कार्रवाई होगी। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज के आगे जिन्होंने बैनर उतारा था उन्होंने नाक घस के माफी मांगी और उन्होंने खुद कहा कि मेरे तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से मेरे समाज की तरफ से जो भी गलती हुई है उनकी माफी मांगता हूँ और समस्त बल्लारपुर जनता से मैं माफी मांगता हूँ। ये कह के हमने उनको माफ तो किया है लेकिन हम भी अभी भी अधिकारियों के जो शब्द दिए उन पे खड़े रुके हैं कि देखना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं। अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई अभी भी शुरू है। 4 दिन में अगर कुछ नहीं होता है तो अगला सोमवार भी क्रांति का रहेगा, ये बल्लार से की जनता जानती है। इसलिए मैं आपके टीवी माध्यम के द्वारा सबको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ हो सके सहयोग कीजिए। यही रुकता हूँ। जय हिंद, जय शिवराय। NBCN न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़े की रिपोर्ट।